दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एल राहुल को दूसरे टेस्ट में से बाहर निकालकर युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। भारतीय टीम और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम ने आसानी से एक पारी व 272 रन से जीत लिया था, लेकिन इस टेस्ट मैच में तीन खिलाड़ी ऐसे थे जिनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। बता दें कि अजिंक्य रहाणे, उमेश यादव और ओपनर बल्लेबाज के राहुल इस सीरीज में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। अजिंक्य रहाणे जहां 41 रन ही बना पाए थे, वहीं केएल राहुल 0 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे। उमेश यादव की गेंदबाजी भी इस मैच में कुछ खास नहीं रही थी, वह दोनों पारियों में मिलाकर मात्र एक विकेट ही भारतीय टीम के लिए हासिल कर पाए थे। बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच इस टेस्ट सीरीज का दूसरा व आखिरी टेस्ट मैच 12 अक्टूबर से राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाना है। सीरीज के इस दूसरे टेस्ट मैच से खराब प्रदर्शन के कारण ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल, उपकप्तान अजिंक्य रहाणे और तेज गेंदबाज उमेश यादव दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं। बता दें कि केएल राहुल की जगह जहां मयंक अग्रवाल को दूसरे टेस्ट में मौका मिल सकता है, वहीं उपकप्तान अजिंक्य रहाणे की जगह हनुमा विहारी दूसरे टेस्ट में टीम की प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं। दोस्तों, आप हमारी इस बात से सहमत हो या नहीं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तेज गेंदबाज उमेश यादव की जगह मोहम्मद सिराज खेल सकते हैं। बता दें कि मयंक अग्रवाल और मोहम्मद सिराज इस मैच में खेलते हैं तो ये उनका डेब्यू मैच होगा। वहीं हनुमा विहारी भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच पहले खेल चुके हैं। इस टेस्ट मैच में हनुमा विहारी ने 56 रन का एक शानदार अर्धशतक भी लगाया था।